यूपी में कांवड़ यात्रा मार्ग पर ढाबों और दुकानों के नेमप्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बरकरार रखा है। चाहे सनी हो या सलमान, अपनी मर्जी से बगैर नेमप्लेट के भी दुकान चलाई जा सकती है अगर आपकी दुकान कांवड़ मार्ग के रास्ते में आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को साफ कर दिया था कि आदेश पर अंतरिम रोक का फैसला बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार ने नेम प्लेट वाले आदेश के पक्ष में खूब दलीलें दी, मगर अदालत ने एक भी ना मानी। आदेश बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नाम लिखने को मजबूर नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को एक हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा आदेश साफ है, अगर कोई अपनी मर्जी से दुकान के बाहर अपना नाम लिखना चाहता है, फिर चाहे वो सनी हो, सलमान हो, अब्दुल रहमत हो या कोई और हो, वो लिख सकता है, हमने नहीं रोका। हमारा आदेश था कि नाम लिखने के लिए आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते। आपको यहाँ ये बता दें कि पिछले दिनों योगी सरकार ने एक फरमान दिया था कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में जितनी भी दुकानें पड़ती हैं सभी को अनिवार्य रूप से अपना नाम लिखना होगा और पहचान लिखनी होगी, जिसके बाद हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाई थी कि मुजफ्फरनगर में कुछ दुकानों पर किस तरीके से नाम लिख दिया गया था, अपने ब्रांड नेम के साथ नाम भी लिखा गया था, जिसके बाद विपक्षियों ने सवाल भी योगी सरकार के इस फैसले पर खड़े किए और इसके बाद यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पहुंचा और वहां सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए शुक्रवार को भी यह कहा आगे भी सुनवाई करेंगे, उत्तराखंड सरकार भी अपने जवाब को दाखिल करे, लेकिन अभी हम इस बात पर बरकरार हैं कि अगर कोई नाम लिखना चाहता है तो लिखे, हम किसी को मजबूर नहीं करेंगे।